फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। दोस्तों आज हम पॉलिटिकल थिंकर्स में जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ। 1912 में कांग्रेस में जब ये शामिल हुए तो उसी समय बाकीपुर अधिवेशन के प्रतिनिधि रहे। इन्होंने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और यहीं पर इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के उपलक्ष में। 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इनके कुछ राइटिंग वर्क्स भी हैं जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में, टुवर्ड्स फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी 1936 में, फिर लेटर फॉर अ नेशन, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स तथा द यूनिटी ऑफ इंडिया इनकी कुछ बुक्स हैं। चलिए अब इनके विचारों को देखते हैं। तो पहला, ह्यूमैनिटी के प्रति इनके क्या विचार थे वो देख लेते हैं। तो इन्होंने व्यक्ति की नैतिकता के बारे में बात कही है। इन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति में नैतिक चेतना होगी, उसमें इथिकल वैल्यूज होंगी, तो ही वह अपने स्वयं के कल्याण के साथ साथ समुदाय के कल्याण में भी समन्वय स्थापित कर पाएगा। मतलब व्यक्ति के अंदर नैतिकता है, इथिकल वैल्यूज हैं, तो वह छोटी चीज़ों पर ध्यान ना देकर और स्वार्थी ना होकर व्यापक और नैतिक प्रयोजनों के लिए स्वयं को समर्पित कर पाएगा। इनका कहना था कि एक नई न्यायनिष्ठ व्यवस्था का निर्माण तभी हो सकता है जब व्यक्तियों के अंदर उपस्थित या विद्यमान अनिवार्य श्रेष्ठता को पहचाना जाए। ये एक कल्याणकारी समाज की स्थापना की बात करते हैं। अब आगे नेहरू जी की वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की बात करें। इन्होंने कहा था कि विज्ञान से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि साइंस के बेस पर ही कोई व्यक्ति तार्किक और विवेकशील विचार ला सकता है अपने मन में। इसी के चलते वे जाति धर्म जैसी संकीर्ण विचारों से हटकर आधुनिकीकरण पर बल दे सकेंगे। अब नेहरू जी एक वैज्ञानिक समाजवादी थे। ये समाजवाद में समानता की बात करते थे औद्योगिकरण के माध्यम। ये धर्म और आध्यात्म से हटकर व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाजवादी विचारों को अपनाकर समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। इस प्रकार वे एक उदारवादी राष्ट्रवादी थे, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, विधि एवं संविधान का शासन आदि चीजों को राष्ट्रवाद का मूल आधार बनाया था। इनके अनुसार भारत का राष्ट्रवाद शांतिवाद, उदारवाद और तार्किकतावाद पर आधारित होगा। अब एक प्रकार से इनके राष्ट्रवाद में ना अंतरराष्ट्रवाद की भी भावना देखने मिलती है। वे राष्ट्रवाद को अंतरराष्ट्रवाद की पूर्व शर्त मानते थे, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि इनका राष्ट्रवाद मानव मात्र की एकता और बिना किसी भेदभाव के समस्त मनुष्यों के अधिकारों तथा हितों के प्रति समर्पण पर आधारित है। इसमें समस्त मनुष्यों में पूरे वर्ल्ड के मनुष्य आ गए। इसीलिए इनका कहना था कि राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद की पूर्व शर्त है, लेकिन भारत स्वतंत्र होकर ही विश्व शांति में अपना योगदान दे सकता है। और इन्होंने इसी के तहत पंचशील सिद्धांत और गुट निरपेक्षता के तहत विदेश नीति को प्रमुख आधार बनाया था और राष्ट्रवाद में भावनात्मक पक्ष को बल दिया था। तो ये थे नेहरू जी के राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवादी विचार। अब आगे इन्होंने धर्म निरपेक्षता पर बल दिया। देखिए, नेहरू जी को हम जानते हैं कि वो विज्ञान पर, वैज्ञानिक तार्किक विचारों पर भरोसा करते थे, इहलोकवादी थे, अज्ञेयवादी थे, मतलब तर्क को ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो उनका कहना था कि धर्म यदि अर्थपूर्ण निष्ठा के साथ सत्य या ट्रुथ की खोज करना है और उसके लिए सर्वस्व बलिदान कर देने के लिए तत्पर रहना है, तो फिर मैं धर्मनिष्ठ हूँ। मतलब धर्म यदि नैतिकता से जुड़ा हुआ है तो नेहरू जी खुद को धर्मनिष्ठ कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये संप्रदायवाद के घोर विरोधी थे। ये कहते थे लोगों में धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। इनका कहना था कि किसी भी धार्मिक विश्वास में यदि समानता, मानवीय गरिमा, न्याय और बंधुता के आदर्श सम्मिलित नहीं होते, वो इन सब से असंगत हैं, तो ऐसे विचारों को त्याग ही देना चाहिए व्यक्ति को और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सौहार्द की भावना रखनी चाहिए। और नेहरू जी ने कहा कि एक राज्य धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। राज्य को सामाजिक हित, सामाजिक सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी भी धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा पर्सनल किसी की रिलीजियस बिलीफ को स्टेट हर्ट नहीं कर सकता। राज्य धर्म से परे होना चाहिए। चलिए अब नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचार क्या थे वो देख लेते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनके सारे विचार मिल जाएंगे। नेहरू जी का कहना है कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है जो सहिष्णुता, उदारता और स्वतंत्रता को महत्व देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, कि जनता के कल्याण के लिए शासन को समर्पित होना चाहिए, और दूसरा है कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जनता में चेतना और जागरूकता होनी चाहिए। आगे नेहरू जी का कहना है कि लोकतंत्र का निर्माण स्वतंत्रता, समानता और आर्थिक न्याय को मिलाकर होता है। ये विधि के शासन, संविधानवाद और नागरिक अधिकारों पर बल देते थे। इसके थ्रू सामाजिक आर्थिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा को लोकतंत्र के समन्वय का साधन मानते थे। इन्होंने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व, निरंतरता और सामूहिकता पर बल दिया जाता है, और विकेंद्रीकरण पर भी इन्होंने बल दिया था। अब इनका मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण था उसे देखते हैं। तो नेहरू जी समाजवादी विचारक तो थे, लेकिन पूर्णतः इन्होंने मार्क्सवाद का अंधानुकरण नहीं किया था।
मार्क्सवाद में इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को महत्व जरूर दिया था और साथ ही सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति मार्क्सवाद के यथार्थपरक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया और पीड़ित जनता के प्रति नैतिक संवेदना की भी बात कही थी। हाँ, लेकिन मार्क्सवाद ने कहा था कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा होनी चाहिए, मतलब मार्क्स ने एक वर्ग को दूसरे वर्ग के सामने खड़ा कर दिया था और ये राष्ट्रवाद को भी नहीं मानते थे। लेकिन नेहरू जी का कहना था कि राष्ट्रवाद तो होता ही है, साथ ही वर्ग संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहिए। तो नेहरू जी एक समाजवादी विचारक थे और इसी के चलते इन्होंने आगे लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र और समाजवाद एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शांतिमय और वैध उपाय अपनाने की बात कही, जैसे औद्योगिकरण और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया, साधनों के न्याय संगत वितरण पर बल दिया, आर्थिक विकास के लिए जनता की भागीदारी की बात कही। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का एक उपाय है। तो ये सारे विचार थे नेहरू जी के। अब आगे नेहरू जी और गांधी जी के विचारों में किस तरह के संबंध थे वो देखते हैं। तो देखो, दोनों के विचारों का उद्देश्य तो एक ही था, बस साधन अलग अलग थे, तरीका अलग अलग था। गांधी जहाँ आध्यात्मवाद को स्वीकार करते थे, वहीं नेहरू वैज्ञानिक तार्किक विज्ञान को महत्व देते थे। गांधी जी ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण पर भरोसा करते थे, वहीं नेहरू जी ने समाजवाद की स्थापना की थी। गांधी जी भारी उद्योगों का विरोध करते थे, नेहरू जी वहीं उद्योगों को मंदिर मानते थे। गांधी जी सर्वधर्म संभाव के विचार को मानते थे, वहीं नेहरू जी पंथ निरपेक्षता पर बल देते थे। गांधी जी आधुनिक सभ्यता को सैतानी सभ्यता कहते थे और ये संसदीय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, तो वहीं नेहरू जी ने संसदीय लोकतंत्र को प्रबल समर्थन दिया है। तो ये सारी बातें थी जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।